चीन ने महामारी का रूप धारण कर चुके खतरनाक कोरोना वायरस ने दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी दस्तक दे दी है। कोरोना के डर से नोएडा के सेक्टर 135 में श्रीराम मिलेनियम स्कूल में परीक्षाएं टाल दी गई हैं और स्कूल को बंद कर दिया गया है। यहां पढ़ने वाले एक छात्र के पिता कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। स्कूल की ओर से बच्चों के घर वालों को आज सुबह एक मैसेज भेजा गया जिसमें कहा गया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते परीक्षाएं टाली गई हैं, हालांकि बोर्ड परीक्षाएं होंगी। कोरोना वायरस के खतरे के बीच नोएडा के 2 निजी स्कूल बंद किए गए हैं। खबर मिलते ही नोएडा के सीएमओ सुबह करीब 12:45 बजे चेकिंग के लिए स्कूल पहुंचे। सीएमओ ने कहा कि स्कूल को बंद कर दिया गया है और पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया जा रहा है। संक्रमित व्यक्ति के परिवार के कुछ सदस्यों में भी इसी तरह के लक्षण नजर आने के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक पार्टी हुई थी, उसमें उस पार्टी में एक आदमी का था कोरोना वायरस पॉजिटिव, तो उसने सब लोगों को बता दिया कि आप लोग भी तैयार हो जाएं। उस आदमी की वाइफ को भी नहीं हुआ कोई सिम्टम, उसके बच्चों को भी कोई सिम्टम नहीं है। और ये जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है जिसके कारण कुछ लोगों में जल्दी अपीयर होता है, और उस आदमी को हुआ है वो वहाँ पे दिल्ली में एडमिट है और बाकी सब लोगों को सर्विलेंस में रखा गया। इस स्कूल में जो 2 बच्चे आए थे उनका किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है? उसके लिए जो जिन भी क्लासेस में गए थे, जिन भी बसेस में गए थे, पूरे स्कूल को सैनिटाइज करा लिया जा रहा है। और जिन भी बसों का उन्होंने उपयोग किया था, सब बसों को भी में जितने बच्चे थे उनको भी सर्विलेंस में रख लिया गया है। क्या स्कूल बंद किया जा रहा है? नहीं, स्कूल सैनिटाइज करने के लिए अभी बच्चों का आना रोक दिया गया। नोएडा में सर किस तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं और कुछ कंपनियों को भी आपने नोटिस दिया है? देखिए, इसमें कोरोना वायरस का कोई इलाज तो है नहीं, केवल सिम्टोमेटिक इलाज है। तो इसके लिए मेन चीज़ यही है कि आदमी खुद ही जो है, अगर किसी को कोई सिम्टम्स है तो वो पब्लिक प्लेसेस में ना जाए और खुद ही अपने को आइसोलेट कर। उनके कुछ अन्य रिश्तेदारों को कहा गया है कि वे अपने घर में ही रहें, अलग रहें और एहतियात बरतें। अकाउंटेंट का काम करने वाले मयूर विहार निवासी एक व्यक्ति और कुछ अन्य लोगों को जांच के लिए सफदरजंग अस्पताल भेजा गया है। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के अन्य करीबियों का पता लगाया जा रहा है। सीएमओ ने कहा कि बच्चों के स्कूल बस को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक हाल ही में इटली से लौटे दिल्ली निवासी व्यक्ति संक्रमित पाए गए थे। उन्होंने आगरा में 3 दिन पहले एक पार्टी दी थी जिसमें नोएडा के एक स्कूल के 2 छात्रों सहित 5 लोग शामिल हुए थे। उनके संक्रमित पाए जाने के बाद उस पार्टी में शामिल होने वाले 2 बच्चों सहित 5 लोगों को ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि जिम्स में भर्ती कराया गया है। इन सभी के नमूने जांच के लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि NCDC को भेज दिए गए हैं। इनकी रिपोर्ट आज शाम 5 बजे तक आने की संभावना है। दोनों बच्चे उसी स्कूल के छात्र हैं जहाँ स्वास्थ्य विभाग का दल जाँच के लिए पहुंचा है। सीएमओ डॉक्टर अनुराग भार्गव ने बताया कि 5 संदिग्ध लोगों को अलग किया गया है। उन्हें जिम्स के अलग वार्ड में भर्ती कराया गया है जहां डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। शाम को रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ये लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल लोकमत न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।